गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू आवर सेकेंड चैप्टर दैट इज वॉरियर अगेंस्ट वीड्स. राइट, सो वॉरियर इज समबडी जो लड़ाई लड़ता है. राइट, एंड वीड का मतलब होता है कोई ऐसा प्लांट जिसकी वजह से बाकी की जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. ठीक है, सो इट डिक्रीजेज द क्रॉप यील्ड्स एंड यू कैन से इट रिड्यूसेज द एबिलिटी ऑफ लाइव स्टॉक. राइट, सो लाइव स्टॉक होता है जब कोई भी एनिमल जिसको हम अपने प्लेजर के लिए या उनको यूज़ के लिए जब हम पालते हैं एनिमल्स को, दैट इज़ कॉल्ड लाइव स्टॉक. सो इंडिया इज़ बिसेट बाय सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट इट वुड सीम फ्रिवलस टू वरी अबाउट द डैमेज डन बाय अ लोली वीड. सो इट सेज कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि इस बात के लिए परेशान होना कि एक छोटे से वीड की वजह से कितना डैमेज हो गया है, ये बहुत ही एक छोटी सी बात लगती है. ठीक है, हमें लगता है कि इस बात को लेकर इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ वेरी फ्रिवलस, इट इज़ समथिंग ऑफ नो यूज, समथिंग ऑफ नो वैल्यू. येट द विशियस लांताना कैमरा एन ऑर्नामेंटल प्लांट इम्पोर्टेड फ्रॉम लैटिन अमेरिका अ सेंचुरी अगो ग्रोज सो थिक and wild in some regions that neither farmers nor livestock nor even say elephants can penetrate it. And yet he says ki there is one plant jiska naam hai lantana camara. It's an ornamental plant jo Latin America se ek century pehle yahan pe aana aaya hai. Itna zyada thick hota hai ye kisi kisi region mein, itna zyada wild aur itna zyada thick hota hai ki ना ही कोई फार्मर, ना ही लाइव स्टॉक एनिमल्स, और इवन कि सबसे जो हैवी होते हैं एनिमल्स दैट इज़ एलिफेंट्स, इवन दे कैन नॉट पेनेट्रेट इट. पेनेट्रेट का मतलब किसी चीज़ के भीतर अंदर तक जाना, कि वो भी इसको पेनेट्रेट नहीं कर सकते हैं, वो भी इसको हटाकर इसके गो थ्रू नहीं कर सकते हैं इसको. So 10 years ago in Uttar Pradesh, village of Nakuchiya Tal school, headmaster Chandrasekhar Lahumi decided to find a way to destroy the pesky plant because he noticed the damage it caused to farmers in the area, and because his pupils, matlab students, came to school every day with hands bleeding from pushing through the thickets. So he says ki isiliye 10 saal pehle Uttar Pradesh के एक विलेज नकुचिया ताल के एक स्कूल में एक हेडमास्टर है जिनका नाम चंद्रशेखर लोमी. ही डिसाइडेड टू फाइंड अ वे टू डिस्ट्रॉय दिस प्लांट हु इज़ कॉजिंग सो मच ट्रबल. पेस्की इज़ कॉजिंग ट्रबल, क्योंकि उसने देखा कि इसकी वजह से जो है फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ है, और उसके जो स्टूडेंट्स थे वो जब उसके पास पढ़ने के लिए आते थे तो उनको भी इन प्लांट्स को साइड पे करके, थिकेट्स को, भारी भारी जो बुशेज हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको हटाकर आना पड़ता था, और उनके हाथों से खून निकलने लग जाता था जब वो ये करते थे. सो ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय दिस प्लांट. सो लोहमी देन 63 हैड नो साइंटिफिक ट्रेनिंग, उसके पास कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं थी. हिज स्कूलिंग इन फैक्ट हैड एंडेड आफ्टर 7th ग्रेड, वो सिर्फ 7th स्टैंडर्ड तक खुद पढ़ा है. बट ही रिकॉल्ड हैविंग लर्न्ड ईयर्स अर्लियर दैट एन इंसेक्ट हैड बीन वंस यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया टू चेक द मेनिसिंग स्प्रेड ऑफ कैक्टस. बट उसने कहा ये पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस को दबाने के लिए एक तरह का इंसेक्ट यूज़ किया गया था. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा. कैक्टस को बंद करने के लिए, कैक्टस की ग्रोथ को रोकने के लिए उन्होंने कैक्टस के ऊपर एक इंसेक्ट छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उस कैक्टस की ग्रोथ रुक गई थी. सो नाउ ही रीजन्ड दैट अ पैरासाइट माइट बी एम्प्लॉयड टू कर्ब द लंताना वीड. सो ही सेज कि मे बी इस लंताना वीड के ऊपर भी हम वैसा ही कुछ पैरासाइट, ऐसा ही एक पैरासाइट छोड़ सकते हैं जिसको खा जाए और डिस्ट्रॉय कर दे. बट वेयर वुड ही फाइंड सच अ बेनिफिशियल बग, पर वो ऐसा पैरासाइट कहाँ पे ढूंढेगा. सो वन डे विलेजर्स टोल्ड हिम ऑफ अ स्पॉट वेयर द वीड लुक्ड पेल एंड सिकली. तो विलेजर्स ने जो है उसको एक जगह, एक दिन एक स्पॉट, ऐसी जगह बताई जहाँ पर ये जो वीड था ये बहुत ही मुरझाया हुआ, बहुत ही पीला पड़ चुका था.
अब इसकी क्या वजह थी, और ऐसा लगता था एज इफ इट वॉज सफरिंग फ्रॉम लेप्रसी, जैसे इसको लेप्रसी हो गई है. सो लाहौमी इंस्पेक्टेड द पैच फॉर डेज एंड नाइट्स, हंटिंग विद मैग्नीफाइंग ग्लास एंड फ्लैश लाइट फॉर इंसेक्ट एक्टिविटी. सो लाहौमी ने जो है उस एरिया को दिन और रात जो है मैग्नीफाइंग ग्लास और फ्लैश लाइट की हेल्प से उस एरिया को देखना शुरू किया, उसको इंस्पेक्ट करना शुरू किया, उसको सर्च करना शुरू किया कि वहाँ पे ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसकी वजह से वो वीड जो है वो पीला पड़ रहा है. हिज रिसर्च फॉर पैरासाइट वॉज कॉम्प्लिकेटेड बाई द नीड टू बी फर्टिव आफ्टर डार्कनेस, सिंस विलेजर्स थॉट दैट नाइट वॉकिंग वॉज अ साइन ऑफ एक्सेंट्रिसिटी एंड इवन मैडनेस. अब जब वो पैरासाइट को सर्च कर रहा था, उसके लिए एक प्रॉब्लम थी कि ही वॉन्टेड कि उसका ये जो सीक्रेट काम है वो रात को भी चले. ठीक है, दिन और रात वो इस काम के लिए लगा रहे, क्योंकि अगर विलेजर्स को पता लग जाता तो उसको पागल समझते. सो ही वॉन्टेड टू बी सीक्रेट, फर्टिव मीन सीक्रेट. बट लाहौमी परसिस्टेड, पर उसने परवाह नहीं की, ही केप्ट ऑन डूइंग हिज वर्क. फाइनली एज ही टोल्ड टाइम्स न्यू डेली ब्यूरो चीफ मिस बिल स्मिथ इन डिस्पेयर, आई बिगेन स्ट्राइकिंग द प्लांट विद माई वॉकिंग स्टिक. सो जब वो ये सब कुछ कर रहा था, रिसर्च कर रहा था पैरासाइट के ऊपर, एक टाइम ऐसा आया जब उसने अपने वॉकिंग स्टिक के साथ जो है प्लांट्स को स्ट्राइक करना शुरू किया, उसको मारना शुरू किया. टू माई सरप्राइज आई नोटिस्ड सेवरल टाइनी इंसेक्ट्स फॉलिंग ऑफ द श्रब स्मॉल प्लांट्स एंड फ्लाइंग अबाउट. और उसने क्या देखा कि कितने सारे छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स हैं, सॉरी इंसेक्ट्स थे जो गिरने शुरू हो गए उन प्लांट्स में से, जो पिन हेड से भी छोटे, एक पिन के ऊपर जो उसका हेड होता है उससे भी छोटे वो इंसेक्ट्स थे. आई नेवर न्यू इंसेक्ट्स कुड बी दैट स्मॉल. आई क्लैप्ड एंड शाउटेड आई हैव फाउंड इट. व्हाट ही हैड फाउंड वर इंसेक्ट्स द साइज ऑफ अ पिन हेड, लेटर आइडेंटिफाइड बाई ऑन्टोमोलॉजिकल लैब्स एज तेलेनीमिया स्क्रूपलसा, अ बग हुज नेटिव हैबिटेट इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. तो बाद में जब उसको लैब में सर्च के लिए, रिसर्च के लिए, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए उसको दिया गया, तो उस इंसेक्ट का क्या नाम था, टेलेनीमिया स्क्रूपलसा, एंड कहाँ से आए थे वो, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से. सो ही फाइनली फाउंड द पैरासाइट. So before Lahomi could lose his bug on lantana weed, it was necessary to discover whether Tellinemia scrupulus would attack other plants. तो इससे पहले कि वो उस bug को lantana weed पे छोड़ता, ये जानना बहुत ज़रूरी था कि whether कि ये जो parasite है ये दूसरे plants को तो harm नहीं करता, right? So some entomologists in fact warned him that insect might cause trouble for crops and takes a relative of the weed, Lahomi insist. तो कुछ जो ऑन्टोमोलॉजिस्ट थे जो इसकी स्टडी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि शायद ये जो इंसेक्ट है ये दूसरे प्लांट्स को हार्म करे, दूसरे क्रॉप्स को हार्म करे. तो उसने क्या किया, उसने अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, ही इनलिस्टेड द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स हु डिस्ट्रीब्यूटेड द बग इन्फेस्टेड ट्विग्स एंड लीव्स थ्रू आउट टेस्ट एरिया, वाइल ही हिमसेल्फ वॉक्ड मोर देन 1000 माइल्स scattering the insects on 18 kinds of fruits, 21 vegetables, 24 shrubs, 66 flowers, 37 forest trees. He drew maps pinpointing where the bug had been released and studied their habits and life cycle. Usne kya kiya, apne students ki help li, aur jo hai patte aur jo twigs the, jo branches hoti hain choti choti, uske upar usne wo parasite dala और उसको टेस्टिंग एरिया पे छोड़ दिया, और खुद 1000 किलोमीटर के एरिया तक उसने जो है ये पैरासाइट जो था वो स्कैटर कर दिया, हर फ्रूट पे, वेजिटेबल पे, श्रब पे, फ्लावर्स पे, फॉरेस्ट पे, और ये देखा कि अब इनका क्या मोड ऑफ ऑपरेशन है, हाउ डू दे वर्क, कि इनका लाइफ साइकिल क्या है और इनकी हैबिट्स क्या है, हाउ डज़ दिस पैरासाइट वर्क्स. So after 3 years of painstaking study, Lahomi surveyed his evidence. So 3 साल की painstaking study के बाद Lahomi ने जो है दोबारा से अपना evidence को survey किया. He found that parasite did ignore fruits, vegetables, trees, flowers, everything in short, except lantana weed. और उसकी study से क्या पता लगा कि
जो ये पैरासाइट था इसने सबको छोड़ दिया लंताना वीड को छोड़कर, मतलब इट एट लंताना वीड, वो इसने कंज्यूम कर लिया, इसने उसको नहीं छोड़ा, पर बाकी जिन पे छिड़का था फ्रूट्स वेजिटेबल्स और वो सब कुछ, वो सब इसने छोड़ दिए, बट लंताना वीड इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। सो लास्ट दिसंबर एक कमेटी अपॉइंटेड बाय काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कन्फर्म लाउमिस फाइंडिंग्स एंड डिक्लेयर्ड दैट दिस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस टू साइंस इज अ लेवल टू विच नो साइंटिस्ट इन इंडिया हैज सो फार बीन एबल टू अचीव। सो लास्ट दिसंबर जो है उसकी एक कमेटी बनी, जिसने उस कमेटी ने इसके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और कहा कि ऐसा काम जो है साइंस में इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है। थैंक यू।